जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधेश्याम भावसार। तो साड़ी MTO से ड्राई क्लीनिंग करने वाला हूँ मैं। प्योर सिल्क की पैठनी साड़ी है ये, 7,000 रुपये से लेके उसके आगे तक महंगी होती है। और एक कस्टमर ने ही कहा है कि इसको MTO से ड्राई क्लीनिंग करो। कस्टमर हमेशा अगर ड्राई क्लीनिंग के लिए कपड़े देते हैं ना, तो उनमें एक अवेयरनेस हो जाती है, तो नहीं ये साड़ी महंगी है तो इसको MTO से ड्राई क्लीनिंग करना पड़ेगा। तो कस्टमर ने ही कहा है कि इसको MTO से ड्राई क्लीनिंग कीजिए आप अच्छे से। और साड़ी ज़्यादा डर्टी मैली नहीं है, बट पहनी हुई है तो इसको ड्राई क्लीनिंग करना तो बनता है। ये छोटे 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 स्टेन वगैरह हैं। और MTO से ड्राई क्लीनिंग क्यों करना ज़रूरी है, ये जो पानी में जाने के बाद में ये श्रिंक हो जाएगा तो ये जल्दी से ठीक नहीं होता है। अगर आपकी आयरनिंग की प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये जल्दी से ठीक बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके लिए काफ़ी सारा एफर्ट करना पड़ता है, रोल प्रेस है, स्टीम आयरन है। तो MTO से ड्राई क्लीनिंग करने के बाद में इसमें बिल्कुल भी हार्ड वर्क नहीं आएगा। और ये जो है ना, ये हैंडलूम की साड़ियों में होता है ज़्यादातर, ये हैंडलूम की साड़ियों में ही होता है। ये है मतलब साड़ी आपकी ओरिजिनल है, प्योर है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो इस साड़ी को ड्राई क्लीनिंग करने के लिए हमें 2 लीटर MTO लगेगा। एक ये फ्रेश मैं 1 लीटर MTO में लेके आया हूँ। दूसरा वाला है जो मेरे पास, ये है, मैं ये रीयूज़ किया है, पहले यूज़ किया है, अभी ये सेकंड टाइम में यूज़ कर रहा हूँ। मतलब मुझे ये 2 लीटर MTO में एक साड़ी मेरी ड्राई क्लीनिंग हो जाएगी और ये भी चल जाएगा। ये अच्छा ही MTO है, कोई एकदम साफ है तो प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। और दूसरा इसमें से जो बचा था वो थोड़ा सा गंदा है, वो नहीं यूज़ करेंगे हम। तो इस दोनों में हम साड़ी ड्राई क्लीनिंग करते हैं दोस्तों। तो चलो आपको पूरी वीडियो दिखाता हूँ और वीडियो बनाते बनाते कुछ टिप्स भी दूंगा आपको, क्यों साड़ी ड्राई क्लीनिंग MTO से करना चाहिए। सिल्क जो है ना, उसकी एज बढ़ती है अगर MTO से ड्राई क्लीनिंग करोगे तो। और दूसरा ऐसा है, कलर बहुत ही ज़्यादा लूज हो, कोई भी कलर का कॉम्प्लिकेशंस हो ना, तो MTO में डैमेज बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये जाएगा अपना MTO। पहले मैं इसमें ब्लाउज वॉश कर लेता हूँ, और जब तक ये ब्लाउज वॉश होगा तब तक मैं हाइड्रो मशीन चला लेता हूँ। मतलब हाइड्रो में जितना भी पानी होगा वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा। दोस्तों ब्लाउज हमारा अच्छे से ड्राई क्लीनिंग हो गया है और शाइन भी अच्छे से ये कर रहा है। अभी और डालेंगे इसमें हम MTO। साड़ी अगर 2 कलर वाली हो और प्योर सिल्क हो तो MTO से ड्राई क्लीनिंग करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। बट एक इम्पॉर्टेंट बात है कि MTO का जो स्मेल है ना, वो जल्दी जाता नहीं है दोस्तों। अगर आप किसी भी कपड़े के ऊपर MTO यूज़ करेंगे तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। ये मटेरियल आप लेके आएंगे, बट कई जगह पे MTO को अलग नाम से पुकारा जाता है, कई जगह पे वाइट पेट्रोल नाम से मिलता है। और हमारे यहाँ पे वाइट पेट्रोल नाम से अगर पूछेंगे तो हमें वो थिनर दे देंगे, और कई जगह पे वाइट पेट्रोल ही इसको बोला जाता है। तो ऐसे कन्फ्यूजन है, डाउट है, सारे केमिकल लाके भी आपसे सही से काम होगा इसकी बहुत ही श्योरिटी कम है। आप प्रॉपर इसका नॉलेज लीजिए
और दूसरी एक बात है कि घर पर करना कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है मैं समझता हूँ, क्योंकि एक्सप्लोजिव केमिकल है ये। अगर कहीं पे अगर आग वगैरह लग गई हो या कुछ चिंगारी वगैरह लग जाए तो ये जल सकता है, बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है दोस्तों। मेरा तो यहाँ पे शॉप में पूरा पानी का ही काम है, तो इसीलिए हम शॉप पर ये काम कर लेते हैं, बाकी घर पर ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं तो नहीं सजेस्ट करूँगा घर पे ये काम करना। और साड़ी की शाइन चमक इसमें जाने के बाद में जो मिलती है ना, वो अलग लेवल की होती है। सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ यार हमने कुछ तो भी अच्छे से ड्राई क्लीनिंग किया है। और इसमें 2 लीटर मेरा एमटीओ पूरा लग गया है। और धूप अभी निकली है तो मैं सारी ड्राई क्लीनिंग कर रहा हूँ, नहीं तो मैं और थोड़े दिन रुक जाता, 2-3 दिन, और फिर अच्छे से धूप आने के बाद में ही इसको ड्राई क्लीनिंग करता, क्योंकि इसमें इसको सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सूखने के बाद में ही इसका स्मेल अच्छे से रिमूव होता है। कोई किसी भी कपड़े के ऊपर एमटीओ चलेगा ये कोई श्योरिटी नहीं है दोस्तों। प्रॉपर अगर आपके पास नॉलेज हो लॉन्ड्री बिजनेस का तो ही आप ये एक्सपेरिमेंट घर पर कर सकते हैं। तो इसका जो फॉल वाली साइड है ये अच्छे से वॉश कर लेते हैं पहले। बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, नहीं तो मेरे पास एक एल्यूमिनियम का स्टील का एक ट्रे भी है, तो उसमें भी मैं ब्रश कर सकता हूँ इस साड़ी को। और चमक देखिए आप। जितना बड़ा आप बकेट लेंगे ना उतना ज़्यादा एमटीओ आपको लगेगा। अगर यही पे अगर मुझे ज़्यादा साड़ी अगर ड्राई क्लीनिंग करनी होती और सारी की सारी फॉल में अगर ख़राब होती तो मैं एक बड़ा सा ट्रे लेके उसमें ड्राई क्लीनिंग कर लेता दोस्तों। तो ये फॉल पूरा वॉश हो गया है। अगर ज़्यादा मैली हो ना तो ऐसे ही उसको मैं 10-15 मिनट 20 मिनट तक ऐसे ही सोकिंग होने दूंगा, बहुत ज़्यादा साड़ी अगर मैली हो तो। अदरवाइज कोई भी इसकी नीड नहीं है सोकिंग करने का। तो चलो अभी ये साड़ी हो गई। इसको हम 3-4 मिनट तक, बहुत ज्यादा हो गए 3-4 मिनट तक, लेकिन हाइड्रो करेंगे पूरा एमटीओ एक्सट्रैक्ट हो जाएगा उसमें। ये साड़ी इतनी चमक, एमटीओ से ड्राई क्लीनिंग करने के बाद में ये है रिजल्ट। ओके, और ये रहा ब्लाउज। तो दोस्तों ये वीडियो यही तक थी, इसको मैं अभी सुखाऊंगा इसको स्मेल जाने तक। अभी स्मेल बहुत ही कम होगा इसका, बट मैं इसको 2 दिन बाद या जब भी मैं स्टीम आयरन का काम करूंगा 1 दिन बाद मैं इसको स्टीम आयरन करूंगा, अच्छे से फिनिशिंग इसकी हो जाएगी। बिल्कुल भी ये साड़ी श्रिंक नहीं हुई है तो दोस्तों। और उसमें से एमटीओ मेरा बचा होगा कम से कम अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर एमटीओ मेरा बचा है। नेक्स्ट टाइम मैं और उसको यूज़ कर सकता हूँ दोस्तों। तो ये वीडियो यही तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सएप पर फेसबुक पर शेयर कीजिए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। नीचे लाल कलर का बटन है उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।